सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। He's going to be my husband, okay? की कह रही है? मैं मेरा मेरा हस्बैंड है, ना कि तेरा। गोरी चमड़ी, जा गोरो के पास जा। Just go away. तू निकल यहाँ से। गोरी चमड़ी, बड़ी आई मेरे पति को छीनने वाली। कर। What is she saying? And she is blabbering and you're standing here listening to her. तू मेरे नाल गल कर। इनसे क्या कह रही है? रबिश होगी तू, तेरा पूरा खानदान। जा निकल यहाँ से। क्या कह रही है? Shut up, you bitch. गोरी चमड़ी। How dare you? तुसी नमन छोड़ना। ओए सिद्धू चलना यार। मेरे होने वाले पति तू। He is only mine, you get it? तू तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तू निकल यहाँ से, गोरी चमड़ी। हॉर्स नाउ पता, सफर कैसा था? सफर बढ़िया रहा पापा जी। एक्चुअली मैं कल ही आ जाता, लेकिन थक इतना गया था कि पूरे दिन सोता रहा, इसीलिए आ नहीं पाया। कोई बात नहीं पुत्र, मैं समझ गया था। अब कनेडा कौन सा हमारे पड़ोस में। हाँ जी। और वैसे भी शादी के लिए पूरा एक महीना पड़ा है। अच्छा किया तुम आ गए, सारे इंतजाम अच्छे से हो जाएंगे। ओ सरदार जी, वाहेगुरु जी की मेहर से सारे काम आराम से हो जाने। बिल्कुल। नमन पुत्र, अरे कोई नाश्ता वाश्ता लेके आओ। जी पापा जी, बस अभी लाई। भाई साहब, वो मैं कह रही थी कि अगर दहेज का बाकी पैसा हमें आजकल में मिल जाता ना, तो मेरा करण पुत्र शादी से पहले ही अपना बिजनेस सेट कर लेता कनाडा में। बिल्कुल पैजी, आपसे ज्यादा टेंशन तो मुझे है। वो दरअसल मेरी जमीन का सौदा थोड़ा सा अटक गया, दो चार दिन की बात सारे पैसे दे दूंगा। हाँ पापा जी, कोई गल नहीं, हो जाएगा। चंगा है भाई साहब, पर पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। हमारे पास तो रब का दिया सब कुछ है। ये सब कुछ जो आप दे रहे हैं, जाना तो आपकी बेटी को ही है। बिल्कुल जी, लो आ गई हमारी बेटी नमन। सस्जगर पापा जी। क्यों दारे बात है? भाई साहब, क्यों ना चुन्नी की रस्म हम कल ही कर ले। अरे वाह, बिल्कुल पहनजी, जैसी आपकी मर्जी। लो जी, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। लो भाई साहब। तुसी लो जी। बस मैं ले लेना, तुसी लो। बड़ी देर लगा दी। अरे वो मम्मी पापा का कुछ काम कर रहा। तू बता, तू कैसी है? अच्छी हूँ। और आप? पहले तो ठीक नहीं था, लेकिन अब तुझे देख के ठीक हो गया। अच्छा जी। हाँ जी। रहने दो, वहाँ कनाडा में गोरी मेमो के बीच मेरी याद कहाँ आती होगी आपको। अरे यही तो बात है, वहाँ गोरी मेमो के बीच भी तेरी याद नहीं गई, इसलिए दौड़ा चला आया मैं तेरे पास शादी करने। बस अब जल्दी से एक महीना कटे और हम दोनों एक हो जाए। मेरे से भी रहा नहीं जा रहा आपके बिना। मैं भी यही चाहती हूँ, जल्दी से दिन बीत जाए और हम कनाडा शिफ्ट हो जाए। हाँ जाएंगे कनाडा। अरे मुझे कनाडा की फोटो दिखाओ ना। कनाडा की फोटो? किसका फोन आ रहा है, उठा लो ना। अरे
कुछ नहीं, वो काम से है, उठा लूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर मैं तेरा टाइम किसी और को देना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा मैं बोल रही थी मुझे कनाडा की फोटो दिखाओ, मुझे देखना आप कहाँ रहते हो। अच्छा ठीक है, ये देख, ये देख, ये कनाडा की बड़ी फेमस जगह है। वाह बड़ी सोनी है। पीछे जाओ। अच्छा ये, ये नहीं पीछे। ये कौन है? ओ ये, ये, ये मेरी बॉस है, आएगी हमारी शादी पे, दिखाऊंगा तुझे मैं। अच्छा बॉस है? हाँ। करणवीर जी बुरा मत मानना, पर ये तो बड़ी बेशरम है, पराई मर्दन हाथ पकड़ के खड़ी है, वो भी इतने पास। अरे नमन वहाँ ये सब चलता है, सब एक दूसरे से मिलने से पहले गले मिलते हैं, किस करते हैं फिर हाय बोलते हैं। हाँ सच्ची। और क्या, अब तू भी ये सब सीख ले, गोरी मैम बनना है वहां जाके। हाँ आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। Hello baby. To hell with you and your baby. How dare you go to India without me? And after reaching there, you started ignoring me. What are you up to? Listen baby, please try to listen yaar. मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ या इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी मैं इंडिया आना पड़ा। Stop this nonsense, okay? You promised me that you'll take me to India and introduce me to your parents. If there was an emergency, you could have told me. बेबी मुझे तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। I didn't get the time to tell you. Listen baby, I love you ना। मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊंगा मम्मी पापा से मिलाने के लिए। बस एक एक जरूरी काम है। वो कर लूँ हाँ? It's okay. I trust you. But remember, don't ever lie to me, okay? And you know what I can do to you. एक गुस्सा थूक दो ना। सच्ची मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I love you and I'm not lying to you. It's okay. मेरे ओ अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ। ओ किदा? ओए सिद्धू यार डरा देता। ओए होए लगदा कनाडा जाके ताड़ा दिल ना कमजोर हो गया। ओ पंजाब दा शेर कनाडा जाके चूहा किस तरह बन गया? चल तू बकवास ना कर। ओ चलो छड्डो भाजी गले ता मिल जो। ओए तू तो कल आने वाला था। ओ पूछ मत यार, ससुराल गया था, वहां जाके ना फंसा जाता हूँ मैं। और तुसी क्यों फिक्र कर रहे हो? ओ आज मेरे यार की सगाई है, हैं? ओ तैयार श्यार हो जाओ जल्दी से। हाँ हो रहा हूँ तैयार। हो जाओ भाजी हो जाओ, वो आज तो पंगड़े पहन गए। हाँ हाँ पहन गए थे। ओ ताई जी खड़ जाओ, मेनू वीडियो सा बना दो। हाँ जी आपको आई कारण इज दैट हाँ जी हाय हाय मरिया
कब आई तू? Are you not happy seeing me? I am happy. Let's come. पापा जी, मम्मी, नमन, ये मारिया, मेरी बॉस. Hi. Hello. अरे बेटा, तूने बताया नहीं तेरी बॉस आने वाले? मैं एयरपोर्ट गाड़ी भिजवा देता. अरे बड़े अच्छे मौके पे आए हैं, इधर लेके आए इधर. अच्छा, मैं जरा गेस्ट हाउस छोड़ के आया. हाँ, गेस्ट हाउस. मारिया, लेट्स गो. ओके. You know what? What? You were like so right. The air, I mean, it's so clean and healthy. मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ की हवा में जादू है. एकदम साफ, ठंडी. खैर, तुमने बताया नहीं तुम आ रही हो. I mean, last night we spoke only. I was so pissed off, and I booked the tickets tonight. But now I'm like so relaxed after seeing you and everybody else. चलो शुक्र है, तुम्हारा गुस्सा तो शांत हुआ. Yeah. But you know what? I missed you so much. Oh, I missed you too. अच्छा हुआ तुम आ गई. बता के आती तो अच्छा रहता. I mean, okay. मैं लेने आ जाता ना तुम्हें एयरपोर्ट पे. की हो या नमन, इतनी परेशान क्यों है? वो करण जी अभी तक आए नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं. ओहो, आ जाएंगे. बॉस का मामला है ना, तू एवे ना फिकर कर. फिर भी कम से कम फोन तो उठाना चाहिए ना. ओहो, तो फिकर छाड़. आप फोटोज देखा, कितनी सोनी आई हैं. सिद्धू पाजी. जी ब्रजा जी. वो करणवीर जी अभी तक आए नहीं है और पापा मेरा जाने का समय हो गया है. क्या एक बार आप जाके देख सकते हैं कि उन्हें तो टाइम क्यों लग रहा है अपनी बॉस के साथ? ठीक है ब्रजा जी, मैं हूं फोन, मैं देख के आता हूँ. ठीक है नमन, उसके इतना पीछे मत पड़. पति ऐसे ही हाथ से निकल जाते हैं, अपनी बॉस के साथ है, कोई काम होगा जरूरी, समझा कर. Let's go. What a lovely room, huh? Oh baby, I missed you so much, baby. I missed you too. You promised me that you'll tell your family. Now what? Hey, पक्का promise. बताऊंगा ना. Don't worry, baby. Please, थोड़ा सा time. Okay. I missed you so much, baby. I missed you too. ये फोटोज बनाएंगी मेरा काम. तुसी करो एंजॉय. ओए सिद्धू. हाँ, तू यहां क्या कर रहा है? हाँ, वो प्रजा जी तोड़ा वेट कर रहे सी. उन्होंने तनु फोन भी कीता ना, तुसी फोन चक्या ना, तुसी आ पाए. ओ हुण परजाई जी नू कौन समझाए कि गोरी मेमे होती ही ऐसी हैं.
इन्हें छोड़ने का दिल कहां कर? ओ तुम बकवास ना कर, जा। पाजी मेनू लगता हूं तक तो चल भी गए होने ने। ओ छड़ो पाजी किड़े चक्करां च पे हो, ओ आज रात महफिल जमेगी। सद लो तुम भी अपनी गोरी मेम नू, मारांगे पैक एक एक। चल मार लेंगे। चलो पाजी। Cheers. Wow. I'm having so much fun, guys. I mean, it's amazing. Hi, hi, paji. Samajhta kuch bhi nahi aa rahi, par son rab di swaad bada aa rahi hai. Oye, oh keh rahi hai, usko bada maza aa raha hai. Aayega hi paji. Oh sade naal sade pind vich baithe ho. Oh maza to aayega hi. Bilkul paji, bilkul. Daljit. Daljit. Oh kithe mar gayi hai? इतना टाइम लगता है चखना लाने में? Come Daljeet, sit, have drink with us. नहीं जी, मैं नहीं पिंदी। मार ले घुट, अब मेम साहब का दिल ना दुखा। Yeah, I mean take one. नहीं जी। ओ छड़ो के ऊपर जाइन उतांग कर रहे हैं। Maria, she doesn't drink. You have it. Oh, okay, no problem. No. दलजीत पी। अरे अब तो पी ले। नहीं सिद्धू जी, तुसी पियो। मेम साहब का दिल दुखाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? पी इसको। पी। What is he doing? ओ सिद्धू रहन दे यार। मैंने तुझे पिलाई और तुमने थूका? सिद्धू नो। ओए सिद्धू छोड़ यार। पाजी तुसी रुको, मैं इनू कमरे च छड़ के आना। चल, मेम साहब का दिल दुखाएगी तू। हाँ चल। I'm done. Hey, listen, listen, listen. Wait. I'll drop you off some time. थोड़ी देर रुक जाओ। Let's go. अभी चलते हैं ना। पाजी, इतनी जल्दी? वो अभी तो हमारे कितने बैग बचे हैं? वो बस दो, कोई नहीं। Okay. चलो ठीक है पाजी। मैं इसको छोड़ के आता हूँ, आप सो जाओ। अरे तू छोड़, मैं छोड़ के आता हूँ उसे। तू बैठ। देखो भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, मुझे उस जमीन का उतना ही पैसा चाहिए जितना तय हुआ था। अरे मेरे दामाद और बेटी ने कनाडा जाना है, मेरी नाक कटवाओगे क्या? देखो मैंने वायदा कर लिया, अरे ऐसे कैसे पैसे कम दे दूं? मुझे मेरा सारा पैसा आज ही चाहिए बस। पापा जी, अब इतना बोझ क्यों ले रहे हैं और क्या जरूरत है ये सब पैसे देने की? आप एक बार करणवीर जी के घर वाले से बात कर लीजिए। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं पुत्र। तुम्हारा घर बस जाएगा, तुम बाहर चली जाओगी, एक बाप को और क्या चाहिए पुत्र? ना, सब ठीक हो जाए। विदेश, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अमेरिका, लंदन, कनाडा जैसे नाम घूमने लगते हैं। और अगर वहां बसने का मौका मिले तो हमें से बहुत से लोग यही कहेंगे कि कौन नहीं जाना चाहेगा वहां। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड की कहानी है पंजाब की। पंजाब, जहां 10 में से 8 घरों का सपना होता है विदेश में जाके बस जाने का। और यही वजह है कि कई लोग अपने बेटे की शादी के लिए एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां उन्हें दहेज के रूप में अच्छा खासा पैसा मिल सके, जो उसको विदेश भेजने के काम आ सके। तो दूसरी तरफ ये जाने बिना कि वो लड़का जिसने उनकी बेटी से शादी करने का वादा किया है, वो पैसा मिलने के बाद उनकी बेटी को वापस लेने के लिए कभी आएगा भी या नहीं। लड़की के माँ बाप लड़के वालों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। करणवीर और उसकी माँ दोनों के मंसूबे में साफ दिखाई दे रहे थे,
नमन से शादी उनके लिए किसी सौदे से कम नहीं थी। करणवीर एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था, पर कब तक? क्या करणवीर के इस दोहरे रूप से कभी नकाब हट पाएगा? क्या नमन को करणवीर का असली चेहरा कभी दिख पाएगा? What happened? Feeling well. Feeling water? Yeah. तक खाना सूट नहीं किया तुम्हें? Food didn't suit you. Yeah. अच्छा चलो बैठो, हम गेस्ट हाउस चलते हैं। Karan, there's some good news for you. हेलो नमन, मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगा। हाँ पता नहीं क्या हो गया है करण जी को, जब से कोड़ी मैम आई तब से मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे। इस सप्ताह तकदीर लेगी नया मोड़। ये तो आगरा का दूजा ताजमहल दिखता है। हमारी ओर से आपके लिए ये नया घर तोहफे के रूप में स्वीकार करें। भारती के ससुराल को मिली खुशियों की सौगात, वहीं दूसरी तरफ आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि आपका ये घर, सब कुछ परमेश्वर चौहान जी का हुआ। आपको अभी और इसी वक्त इस घर को खाली करके जाना है। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। सिद्धू। यस माया, तुम आज पीने नहीं आई तो मैं आ गया। आई कम क्या? कम इन माया। You look beautiful, सुंदर, can't. Thank you. Have a seat. Come on. Sit. Maria. Sidhu, what are you doing? You're drunk. I like you, Maria. Sidhu, what Maria? Are you doing? You're drunk. No, Maria. No, दारू का नशा, तेरा नशा मेरी बॉडी में। सिद्धू, सिद्धू, just go back, out, Maria, go, you're not in your senses, out. मैंने निकाला ना घर से, अब देखना तेरे साथ क्या करता हूँ गोरी मैम। ओ सिद्धू, क्या बात है? क्यों फोन करे जा रहा बार बार? मुझे पैसे चाहिए पाजी। कैसे पैसे? पूरे 20,000। ओए 20,000 क्या हो गया तुझे?
बाजी अनु पैसे दे दे बाजी। काके तूने पी रखी है, जाके सो जा, जा। बाजी मुझे पैसे दे दो, दे दे वीरे। ओ पैसे तो तुझे नहीं मिलने, जा सो जा जाके। नहीं देगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ, पैसे नहीं देगा। ये देख, अगर तूने मुझे पैसे ना दिए ना तो मैं ये सारी फोटोज परजाई जी ने सेंड कर दूंगा, ता तेरे कैनेडा विच बिजनेस करन दा सपना। ओए तू मैनू धमकी दे रहा है? हाँ दे रहा तेनू धमकी, तू ही अकेले अकेले मजे क्यों ले? हाँ आज गोरी मैम ने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा है, इसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। चल दे रहे मैनू पैसे, नहीं तो मैं फोटो सारियां सेंड कर दूंगा। पर जितने हैं उतने रख और मैनू शक्ल ना दिखाई। मारिया नशे में सिद्धू कुछ भी गड़बड़ करता है और अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। He was drunk and will not remember anything. Okay? Now let's forget all this. शादी की तैयारी करो। शादी? Seriously? I told you, but you doubted my love. लेकिन मुझे तुम्हें अपने प्यार का प्रूफ देना था, so I told my parents, अब कल ही रसम होगी, okay? सब भूल जाओ, और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, okay? Okay. Kajal, I'm so happy, yaar. I'm like so happy. कनाडा में मेरा बिजनेस का सपना तो पूरा होगा ही। उस नमन से लूंगा मैं पैसे और तुझसे शादी करके लूंगा ग्रीन कार्ड। अतिथि देवो भव, ये नारा हमारे देश में काफी प्रचलित है, लेकिन आज भी हमारे देश में कई जगहों पर ज्यादातर लोगों की यही धारणा है कि विदेशी लड़कियां किसी के भी साथ संबंध बना लेती है, जो कि सरासर गलत है। क्यों हम ऐसी गलत सोच के साथ विदेशी लड़कियों को देखते हैं? जरूरत है इस सोच को बदलने की। लेकिन यहाँ करणवीर के साथ साथ सिद्धू भी जो कर रहा था वो गलत था। यूं किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना एक घिनौना अपराध है। लेकिन आखिर ये सब कुछ कब तक चलने वाला था? क्या करणवीर की सच्चाई कभी नमन और मारिया को दिख पाएगी, या वो इन दोनों के जज्बातों के साथ यूं ही खेलता रहेगा? आइए देखते हैं। बताइए जी, कितना फिर हो गया तैयारियां? हाँ पुत्र, देख वो आगे होने है। मैं देख रहा ताई जी। ओ आजो जी, आजो सोने हो। सत श्री अकाल जी। ओ हाँ चल आजा। आजो जी आजो, थोड़े ही भेट हो रहा सी। ताई जी आओ जी, पुत्र जी आओ। आज तेरे साथ चुन्नी की रस्म करनी है मैंने, जल्दी से ये कपड़े पहन के आ जा। पुत्र जा इसनु कमरा विखा। हाँ जी मम्मी। ओ किदा ताई, खुश है हुन? बहुत खुश। अच्छा एक गल दस, दलजीत कहाँ है? अगर उसने देख लिया तो नमन और उसके प्यो को पता चल जाएगा। मैं ऐसा कोई लफड़ा नहीं चाहती। ओ ताई तू चिंता ना कर, ओ उसको मैं काम पे लगा आया हूँ, एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलनी उसको। चल फिर ठीक है। वो कुछ शर्म कर चरणप्रीत, वो नलायक तो था ही गया गुजरा, तो उसको समझाने की बजाय उसकी आगे आगे जा रही है। की गल कर रहे हो तुसी? तुसी नहीं चाहते कि तुम्हारा मंडा अमीर बने, पैसे वाला बने? वो नमन के मामा को धोखा देके पहले भी ये बार गया था, अब उसको शादी का झुटा झांसा देके उसके बाकी के पैसों से कनाडा में अपना बिजनेस सेटअप करेगा, और ग्रीन कार्ड के लिए वो गोरी से शादी। मुझे ये बताओ इस बीच में बेचारी उस नमन का क्या? अरे पापा वो पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, उसका बाप है उसे संभालने के लिए। मम्मी देखो ना यार,
ओ हद है बेशर्मी की, उस वाहेगुरु से डर कुछ? हाँ तो इतना गिर गया है। मैं ना सिर्फ अपनी इज्जत के लिए चुप हूं ताकि बाकी लोगों को पता ना लगे कि ये दोनों माँ बेटा मिलके कौन से मंसूबे बना रहे हैं। तो सीधा चुप करो जी, मैं अपने आप सब कुछ सांभ लेना। ताई जी, विजय जी आगे। हाय मैं मर जावा, कितनी सोनी लग रही है तू। चल बैठ पुत्र। करण पुत्र तू भी बैठ। हाँ जी। ओ ताई जी खड़ जो, फोटो तो लेन दो। हाँ हाँ पुत्र। ओ ताई जी थोड़ा मेरे लिए भी रख ले। ओ जी सिंह साहब किथे हो जी? मरिया लेट्स गो। मरिया से ले दिस प्लीज। कम जस्ट कम कम। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, एक्चुअली हियर पीपल डोंट लाइक कि शादी से पहले बहू घर आए, सो नो वन शुड सी। ओके नेवर माइंड। सिद्धू जी बाजी इसको छोड़ के आ, और सुन गेस्ट हाउस छोड़ के चुपचाप वापस आ। ठीक है बाजी। नो कारण, यू का नॉट हिम। मरिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, गेस्ट है प्लीज। जा छोड़ के। ठीक है बाजी, और चलो जी। शिकल भाई साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं नहीं पहन जी, हम जरा जल्दी में, नमन को लेके बाजार जा रहा था, यहाँ से गुजरा, सोचा आपको चेक दे दूं। ये लीजिए बकाया रकम दहेज की। भाई अब मेरी जिम्मेवारी पूरी हो, अब तो बस शादी का इंतजार है। करणवीर जी, मैं सोची थी आज हम सब डिनर पे चलते हैं, और आप अपनी बॉस को भी बुला लीजिएगा। अरे छोड़ो ना बॉस को, हम दोनों चलेंगे। अरे नहीं, आप बोल रहे थे ना आपकी बॉस जाने वाली है, तो उनको भी साथ ले आइए ना। हाँ चलेंगे। चंगा मैं जी, हम भी देखा दे। चल ठीक है जी। धमाकेदार सप्ताह में देखिए शाम 6 बजे। एक दूसरे के ऊपर आगी बरसाने से अच्छा है कि ऐसा रास्ता अपनाए जो उन दोनों को फायदा करे। भौजी की साजिश से अर्पिता होगी गिरफ्तार, शाम 6:30 बजे विवाह के पवित्र बंधन से जुड़ेगा करण और सुमन का साथ, शाम 7 बजे। आज पढ़ने के लिए सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं। बीरवा को छोड़ सारे लोग आए थे, कहाँ गई होगी वो? बीरवा की नादानियों में संतो कैसे निभाएगी माँ का फर्ज? शाम 6 से 7:30 देखिए धमाकेदार सप्ताह दंगल पर। सिद्धू जी, आप दलजीत को नहीं लाए? वो घर पे ही रहती है, ये कहीं नहीं लेके जाता उसे। अरे उसकी जगह वही है घर में या मेरी जूती में। इनको ज्यादा लाड प्यार करो ना, ये सर पर चढ़ जाती हैं। इनको इनकी औकात में ही रखना चाहिए। कितने तैयार हो रहे हो? वो मेरा मतलब ब्यूटी पार्लर शार्लर है? पता नहीं। तुम्हें दसा ये अपना खुलापन ना वहां जाकर दिखाया कर किसी और मर्द पे, मेरे होने वाले पति पर नहीं, समझी? What is she saying? Nothing मारी। नमन तू छोड़ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ो?
बाय गुरु जी दी सो मैं तो मुंह नोच लूंगी यू बिच माय हस्बैंड व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग इट्स गोइंग टू बी माय हस्बैंड ओके की कह रही है रुक तुझे मैं अभी बताती हूं चल हट मैंने गुस्से ना दिला जा गोरो के पास जा आर यू क्रेजी व्हाट आर यू टॉकिंग ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू मी ओके की कह रही है यू मैड मेरा वो मेरा हस्बैंड है ना कि तेरा गोरी चमड़ी जा गोरो के पास जा लीव अस अलोन ओके एंड जस्ट गो अवे तू निकल यहां से गोरी चमड़ी बड़ी आई मेरे पति को छीनने वाली करण व्हाट इज शी ब्लैबरिंग एंड यू आर स्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू इट तू मेरे नाल गल कर इनसे क्या कह रही है बड़ी आई रबिश रबिश बोलने वाली मुझे भी इतनी अंग्रेजी आंदी है रबिश होगी तू तेरा पूरा खानदान जा निकल यहां से क्या कह रही है चुप चाप यू बिच गोरी चमड़ी नमन छोड़ना उसे तो चलना यार मेरे होने वाले पति He is only mine, he gave it. तुझे तो मैं अभी बताती हूँ चाकू उठा ले चल फिर भी फाजी फाजी लेटे हो नूर मेरी गल सुन औरत पागल है गोरी है यार समझा कर लग जाना चाकू चल दे ये गोरियां ना ऐसी सी होती किसी के भी साथ चली जाती अभी उसे मैं पसंद आ गया लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा तू समझ रही है ना आप ही के पीछे क्यों पड़ी है तो यार मेरी बॉस है वो मैं उसके पास नहीं जा रहा और ये उसकी बात सुननी पड़ेगी वरना मेरा कनाडा जाने का सपना कैंसिल और तू थोड़े दिन इग्नोर नहीं कर सकती इसको प्लीज अपना मुंह बंद रख कनाडा जाने का तो ऐसी नौकरी भी किस काम की परेशानी कर दिया है मेरी बात सुन पापा ने जो पैसे दिए हैं ना वहां जाके उससे बिजनेस करूंगा फिर से छुटकारा मिल जाएगा बस तब तक अपना मुंह बंद रख दो ठीक है इस देश में करणवीर जैसे लोग भी हैं जो विदेशी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं वहां बसने के लिए और नमन जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं वहां जाने के लिए लेकिन क्या करणवीर अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएगा करणवीर एक साथ दो दो नाव पे सवार था बिना उसके अंजाम की परवाह किए पर कब तक वो नमन और मारिया को बेवकूफ बना सकता था अनजाने ही सही लेकिन इन दोनों को करणवीर का सच पता लग गया लेकिन ये करणवीर का शातिर दिमाग ही था कि उसने एक बार फिर से इन दोनों को अपनी बातों में उलझा दिया लेकिन क्या नमन और मारिया ने करणवीर की बात पर सच में यकीन कर लिया था आइए देखते हैं इन तीनों की जिंदगी आप कौन सा मोड़ लेने वाली थी लिसन बेबी दैट वुमन इज मैड अरे वो औरत मेरे पीछे पड़ी है एक्चुअली उसके बाप से मेरे पापा ने पैसे लिए थे वो हम दे नहीं पाए तो उन्होंने धमकी दी कि इससे शादी कर बट आई वर्क डे एंड नाइट एंड आई रिटर्न ऑल देम आई विल नॉट मैरी हर बिकॉज आई लव यू लिसन इफ दिस इज अ लाई I'll ruin your life. And you know what? You won't be able to enter Canada ever. And above this, I'll also file a police complaint against you. अरे बेबी, क्या पुलिस की धमकी दे रही हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही कुछ करूंगा. फिर कनाडा मेरा सपना है. And you are my last. You don't trust me? Prove करूं? Okay. आज रात ही हम कनाडा जाएंगे. सामान पैक करो Another lie, right? Listen, baby, I'm not lying to you. Okay? सामान पैक करो Really? हाँ और मैं भी अपना सामान लेके आता हूँ ओके ओके इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा
पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। संदू अपने पैक कर, मैं मम्मा को फोन कर दूं। हेलो माँ। हाँ कब 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 तक आओगे? ओ मैं जा रहा हूँ। उधर मुझे तो अभी टाइम लगेगा, बताया तो था कि तेरे मामा जी को अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। पर क्या हुआ, अचानक तू क्यों जा रहा है? ओ मम्मा, मारिया और नमनु शक हो गया, मैनु वापस जाना पड़ेगा नहीं तो मारिया ने मेरा करियर बर्बाद कर देना। वैसे भी नमन के बाप के पैसे आ गए ना, रुकने का क्या फायदा, मैं तो छेती बुला लेना। ठीक है पुत्र, आराम से जाना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ चंगा माँ। ओ सिद्धू छेती कर, चल चल। कम इन। यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? प्लीज करणवीर जी को छोड़ दो, ही माय लव, वी शादी मैरी, नो आई मैरी हिम, ओके? हमारी मंगनी की फोटो, करणवीर जी, मी, वेट आई शो यू, लुक एट दिस, आवर एंगेजमेंट पिक्चर्स। He's been trying to fool both of us. And he told me, Tom shaadi karna chahti, jabardasti, not him. Kya? Unhone aisa kaha? Mainu shak ho hi gaya tha. Tabhi main tumhare paas aayi. Usne mere saare paise le liye. Mere papa ko bhi kangal kar diya. Aur ab tumse pyar jata raha hai. What a fool he is. He's trying to cheat us, both of us. I loved him so much. What? I mean, I've been such a fool. What will I do now? You know, baby. Karan's baby. Kya? You know what? I thought I'll surprise him on our wedding night. But I'm such a fool. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उन्हें कितना प्यार किया था। अगर करणवीर जी ने सच में ऐसा किया है तो Are you crazy, Naman? Leave. Why are you hurting yourself? He did a mistake and he will pay for it. What a cheater! I loved him so much. I've been such a fool. Oh God. Maria, please don't, na. Tum late ja. Main doctor ko phone karti hoon. डॉक्टर फोन की नहीं उठा रही है। मारिया सुनो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आ रही हूं। अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर।
Maria, let's go. Go away, you cheater, you ditcher. अरे अब क्या हुआ यार इसे? You know what? Daman told me everything about you. Your engagement with her and you were trying to fool me. You know what? I'll file a case against you. And you won't be able to enter Canada or any other country. Maria, baby, listen. अरे वो झूठ बोल रही है. Leave her ना. Let's go. हमें flight पकड़नी है. चल चल चल. No! Don't touch me. सिद्धू, तुम मान नहीं रही यार. बाजी लेके चलो इसे. खत्म कर देते हैं. देख, मारिया, तूने जाना है कि नहीं मेरे साथ? I'm not coming with you. तू मेरे साथ आएगी? किधर भागते हो? सिद्धू भाई, करमजी, करमजी, करमजी रुकिए. जीतू, नमन, वही मैंने करण और सिद्धू जी की सारी बातें सुन ली थी देश छोड़ के जाने की. मुझे तो तभी शक हो गया सी, लेकिन वाहिगुरु जी ने मुझे हिम्मत दे दी. आज एक कुड़ी दी जान बचा दी. अब हम दोनों ने ना इन्हें छोड़ना नहीं है. चल तू बैठ स्कूटी पे. गाड़ी मोड़ो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ. हाँ हाँ, जल्दी लगाओ. अच्छे से मुक्ति देता हूँ तुझे, हैं? कर प्लीज। अरे कहीं कहीं चको। नो 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 कर प्लीज। या कनाडा जाने का सपना बर्बाद करेगी, पुलिस कंप्लेंट करेगी। मार पड़ी मार। मारिया, तुम ठीक हो ना? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पे हाथ उठाएगी तू, हाँ? हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी. वाहेगुरु ने मुझे आज हिम्मत दी है और मैं तेरा खात्मा करके रहूंगी. चलने की कोशिश करो. ओके दिलजीत, इसको डॉक्टर पे लेके चलते हैं. इतनी आसानी से लेके नहीं जाने दूंगा तुझे मैं. अरे इससे पहले इन दोनों को ही खत्म कर दूंगा. करे जी, करे जाओ मुझे. बड़ी भोली बनती है ना तू. मैं बताता हूँ तुझे. मेरे पे हाथ उठाएगी तू? हाँ? अरे गुरुजी की यही इच्छा है कि तू मर जाए. वाहेगुरु ने मुझे तेरे खात्मे के लिए भेजा शैतान. सिद्धू! चलो पकड़ो उसको भी. तुम ठीक हो ना? चलो पहले इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं. थैंक यू नमन. तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? अरे वाह, बड़ी अच्छी हिंदी सीख गई हो तुम तो. बल्कि तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? धोखेबाजों के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती मैं. ठीक है नमन, सी यू सून. तुम भी अपना ध्यान रखना. बच्ची की फोटो जरूर भेजना. श्योर. बोलना मत. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी एक रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे से दूर रहना. ऐसे रिश्ते आगे जाकर बहुत दूरियां बना लेते हैं, अगर वो किसी मजबूत डोर से ना बंधे हो. शादी एक अटूट बंधन है. इस बंधन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इस बंधन में बंधने से पहले सब कुछ अच्छे से परख ले. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें.
बेटियों की शादी करने से पहले लड़के के बारे में सही से जानकारी निकाले, क्योंकि खुशियां एक अच्छे जीवन साथी के साथ रहने से आती है, ना कि एक झूठे विदेशी सपने से। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।